राम राम भाई, कैसे आप सब लोग? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम एक ऐसे देशद्रोही की बात करने वाले हैं जो देशद्रोही के साथ साथ भाई दोगला इंसान भी है। मैं देशद्रोही की बोल रहा हूँ और दोगला इंसान की बोल रहा हूँ, आपको वीडियो में आगे पता लगेगा। ध्रुव राठी द दोगला एंड देशद्रोही इंसान। अपने आप दूसरी कंट्री में बैठे और अपनी कंट्री के अगेंस्ट बोलने वाले को भाई हम देशद्रोही बोलते हैं। इस बंदे ने ऑलमोस्ट जब से चैनल शुरू करा है ना, हमारी कंट्री के भाई अगेंस्ट में वीडियो बनाई है, कोई फेवर में वीडियो नहीं बनाई आज तक। हाल ही में भाई की एक नई वीडियो आई है, डरा हुआ डिक्टेटरशिप। इलेक्शन का टाइम था, भाई को चाहिए थे व्यूज, तो इन्होंने क्या करा, मोदी जी के अगेंस्ट वीडियो बनानी शुरू कर दी। और भाई को एक बेस्ट टॉपिक मिल गया, अरविंद केजरीवाल अरेस्ट। इस वीडियो में हमारे ध्रुव भाई ने अरविंद केजरीवाल जी के केस के बारे में बोला है, लेकिन फुल फेवर में बोला है और गलत बताया हमारे कोर्ट को और हमारी गवर्नमेंट को। थंबनेल में डिक्टेटरशिप लिख के इतना मोटा मोटा और हमारे मोदी जी की फोटो लगा के व्यूज छापना और हमारी गवर्नमेंट को उल्टा सीधा बोलना कि भाई किसी को पता नहीं लगेगा, इनडायरेक्टली वे में बोल देते हैं भाई जर्मन शेफर्ड आप हो, हम नहीं है। डिक्टेटरशिप का मतलब होता है तानाशाही, और तानाशाही का मतलब होता है किसी बंदे के ऊपर अपनी जोर जबरदस्ती दिखाना, उस पर अपना हक जताना और उसको दबाना। और इस केस में कौन सी डिक्टेटरशिप है जब सारे प्रूफ हमारी गवर्नमेंट के पास अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ है, तो काहे की डिक्टेटरशिप हुई भाई। और इस वीडियो की शुरुआत में हमारे ध्रुव राठी भाई ने ऐसी ऐसी बातें बोल दी, अगर बच्चा भी सुनेगा ना तो वो भी गाली देगा भाई को। बात करते हैं अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट से। ये आजाद भारत के इतिहास में पहली बार है कि किसी सिटिंग चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट किया गया हो, और वो भी तब जब कोर्ट में कोई गुनाह साबित तक नहीं हुआ। भाई मैंने पहले ही बोला और अब भी बोल रहा हूँ, हमारा कानून काम करता है सबूत पे। जब कोई अरेस्ट होता है तो कोर्ट उसके अगेंस्ट एक्शन लेता है, उसके केस की तहकीकात करता है, उसके सबूतों को देखता है। ऐसे भाई वो किसी को जेल में नहीं डाल देता, और हमारा कानून सबके लिए एक बराबर होता है, चाहे वो कितनी बड़ी हस्ती हो। 3 में से 2 इलेक्शन कमिश्नर्स को प्रधानमंत्री मोदी की मर्जी के अनुसार अपॉइंट किया गया। इलेक्शन कमिश्नर चुनने के लिए हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन की भी मर्जी ली जाती है, और हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन है अभिरंजन चौधरी, जो कि खुद कांग्रेस से है। भाई इनकी भी तो मर्जी होगी जो इन्होंने ये वाले कमिश्नर चुने, सिर्फ पीएमजी की मर्जी से नहीं भाई इलेक्शन कमिश्नर चुने जाते। और ये भाई सिर्फ इस वीडियो की 1-2 मिनट की बात है, पूरी वीडियो में तो पता नहीं भाई क्या होगा। और भाई ने एक नहीं दो नहीं पता नहीं कितनी वीडियोस हमारे मोदी जी के अगेंस्ट बना दी, हमारी गवर्नमेंट के अगेंस्ट बना दी। और वैसे भाई की माइंड वॉश करने की टेक्निक बहुत बढ़िया है, स्क्रिप्ट रट के बोल दो एक लाइन में, बैकग्राउंड लगा दो मस्त सा, और बैकग्राउंड म्यूजिक भी लगा दो सस्पेंसफुल वाला, और सबको लगेगा भाई कितनी गंभीर बातें बता रहा है। अगर किसी में दिमाग होगा ना, थोड़ा गूगल करके देखेगा भाई, बेलॉजिकल बातें निकलती है इसकी वीडियो से। अब बहुत से जर्मन शेफर्ड के पिल्ले मेरी वीडियो में आएंगे भाई, बोलेंगे कि हमारे ध्रुव भाई सच का साथ देते हैं ये वो सो। अगर तुम्हारे ध्रुव भाई ज्यादा ही सच का साथ देते हैं ना, जब कांग्रेस से 4.5 लाख करोड़ से ऊपर की संपत्ति पकड़ी गई थी, तब तुम्हारे भाई ने वीडियो भी नहीं बनाई। ध्रुव राठी भाई का चैनल अगर आप स्क्रॉल करोगे तो आपको पॉजिटिविटी वाली भाई कोई वीडियो नहीं देखने वाली, सिर्फ इसका ट्रूथ, इसका डार्क ट्रूथ, उसकी अनटोल्ड स्टोरी, इसकी अनटोल्ड स्टोरी। और वीडियो में कुछ नहीं होने वाला, रिसर्च करके जो टॉपिक है उसके अगेंस्ट में 2-4 लाइनें बोल देनी, पूरी स्क्रिप्ट रट के बोल देनी है, और भाई डार्क ट्रूथ का तप्पू लगा देना है। जब हमारे ध्रुव भाई को सबने जर्मन शेफर्ड बोलना शुरू कर दिया तो उनका रिप्लाई देखो आया क्या। लेकिन ध्रुव तो बाहर जर्मनी में बैठकर, आपको जैसे आपके ट्रोलर जर्मन शेफर्ड भी बोलते हैं, तो जर्मनी बैठ के बात करता है, यहाँ आकर बात करो, तो इनको क्या जवाब? फिर से वही बात हो गई कि मेरी बातों का जवाब नहीं है तो कुछ नई चीज बना दी, कोई नई गाली बना दी यहाँ पर बोलने के लिए। सुभाष चंद्र बोस भी जर्मनी में जाकर काम करते थे, क्या उन्हें भी जर्मन शेफर्ड बोलोगे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी किसी जर्मन ऑस्ट्रियन से शादी करी थी, क्या इस रीजन की वजह से उन्हें भी वो बोलोगे? ये सब डाइवर्जन के तरीके हैं जैसा मैंने कहा। और एक सेकंड, हम ये इंटरव्यू कहाँ कर रहे हैं? क्या हम आपके घर में कर रहे हैं ना? जर्मनी में तो नहीं है। हाँ ठीक भाई, वो सुभाष चंद्र बोस जी थे, बेशक दूसरी कंट्री में बैठे थे, लेकिन अपनी कंट्री के बारे में उन्होंने गलत नहीं बोला। और एक ध्रुव राठी भाई है हमारे, अपनी कंट्री के बारे में गलत बोल के तो इनका खर्चा निकलता है। अब ये तो ऊपर से रही बात इनकी इस वीडियो को लेकर, अब आ जाते हैं इनके थोड़े दोगलेपन पर। पहली बात, राम मंदिर बनने से पहले हमारे ध्रुव भाई ने वीडियोस बनाई, और वीडियोस में कुछ नहीं, हमारे राम जी को जज किया, उनको रियल बताया, फेक बताया। और ये बात मैं नहीं बता रहा हूँ भाई, इनके कमेंट सेक्शन चेक कर लो चाहे आप वीडियो जाके। पहला कमेंट भाई हम देखते हैं, ध्रुव राठी इज द सेम पर्सन हु क्वेश्चन राम एग्जिस्टेंस बट नाउ ही हैज नो ऑप्शन अदर देन टू मेक काउंट ऑफ क्वालिटीज ऑफ राम, देख लो भाई। और दूसरा कमेंट है, जो राम भगवान को काल्पनिक बताते थे आज वो पूरा रामायण याद कर रहे हैं और राम को अपना रहे हैं। ध्रुव राठी इज इन हिज ओल्ड वीडियो टॉकिंग अबाउट राम एग्जिस्टेंस एंड कंपेयरिंग टू स्पाइडरमैन, इस बंदे ने हमारे राम जी को स्पाइडरमैन से कंपेयर करा है। दूसरी बात, ध्रुव भाई वो बंदा है जिसने हमारे वाल्मीकि जी पर भी सवाल उठाया, हमारे रामायण को गलत प्रूव करा है, उस पर उंगली उठाई है, हमारे हिंदू धर्म पे उंगली उठाई है। और वैसे भी हिंदू धर्म नहीं भाई, इसने कोई सा भी धर्म नहीं छोड़ा जिस पे उंगली ना उठाई हो। और मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूँ भाई, जैसे इसने अपनी पुरानी वीडियो कमेंट सेक्शन ऑफ कराया ना, अब आने वाली वीडियोस के भी कमेंट सेक्शन ऑफ ही पर रहेंगे। ये वो बंदा है जिसने इस वीडियो में केरला स्टोरी मूवी के अगेंस्ट बोला है, जो मूवी हमारी हिंदू लड़कियों को धर्म परिवर्तन करने से बचाती है, उससे दूर करती है, सीधा सीधा बोलूं भाई लव जिहाद से बचाती है, इस बंदे ने उस मूवी के अगेंस्ट में बोला है। और फिर हमारे भाई बोलते हैं इनको देश की बहुत चिंता है। भाई ऐसी चिंता नहीं होनी चाहिए किसी को भी। जब कोई बंदा शादी करता है तो लड़कियों को अपने घर में लाता है, अपने परिवार में लाता है, उसके ससुराल में लाता है। ऐसा नहीं होता भाई कि उसके घर में चढ़ के बैठ दो जर्मनी में, क्यों? क्योंकि भाई इंडिया में इस देशद्रोही को रहने कौन देगा ना। हमारे देशद्रोही का देशभक्त चैनल पर एक पॉडकास्ट आया, और इस पॉडकास्ट में इन्होंने बोला है कि इसको कंट्री की बहुत चिंता है,
अगर इतनी भी चिंता होती तो अपनी कंट्री में रहकर जीएसटी पे करता, जर्मनी में ना बैठा होता भाई। तो आज ध्रुव भाई के दोगलेपन की बात कर ही रहे हैं तो उनके एक और दोगलेपन की बात कर लेते हैं। ये वही बंदा है जिसने हमारी गाड़ियों को क्या क्या बोला था भाई। एक ऐसे लोहे के डब्बे को लेकर आप प्राउड फील कर रहे हैं जिसका काम बस आपको ए टू बी ट्रांसपोर्ट कराना है। और आज खुद देखो भाई कौन कौन सी गाड़ी चला रही है, स्टीयर कर रही है, स्पीड भी अपने आप कंट्रोल कर रही है। जैसे अब टर्न आने वाला है, मैं नहीं करूंगा कुछ भी, गाड़ी खुद से। भाई अगर अब भी तुम इस बंदे को पसंद करते हो ना तो तुम भी भाई सो कॉल्ड जर्मन शेफर्ड के पिल्ले ही हो। इस ध्रुव राठी को देखने से बढ़िया भाई मैं ध्रुव तारा वाला सीरियल देख लूँ, इसकी वीडियो से तो कई गुना बढ़िया है। और ध्रुव भाई के सपोर्टर्स जर्मन शेफर्ड के पिल्ले आएंगे मेरी वीडियो के कमेंट में गालियां देंगे मेरे को, उनको मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, पुंछर पाड़ ले मेरा। तो बस भाई यही था आज की वीडियो में, इस ध्रुव कांड को यहीं पे समाप्त कर देते हैं। अगर ध्रुव भाई कुछ और बोलेंगे तो हम भी पूरा बोलेंगे। मिलते हैं आप लोगों अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को देना लाइक, चैनल को देना सब्सक्राइब। जय श्री राम।